डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1st नाउन की एक्सरसाइज ई एंड एफ सॉल्व करेंगे। ई एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग पॉजेसिव केस ऑफ नाउन वेयर एप्लीकेबल। जहां उपयुक्त हो वहां नाउन का पॉजेसिव केस यूज करके इन सेंटेंस को हमने दोबारा लिखना है। फॉलो द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का अनुसरण करो। द स्कूल ऑफ राहुल इज नियर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राहुल का स्कूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसी को जब पॉजेसिव नाउन यूज करके लिखेंगे तो हो जाएगा राहुल ज स्कूल, इसका मीनिंग होता है राहुल का स्कूल इज नियर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निकट है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ, केवल लिखने का तरीका चेंज हो गया। अब एक्सरसाइज है, फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर हैज मैनी शॉर्ट्स ऑफ जॉब्स। मेरे पिताजी के पास कई प्रकार की नौकरियां हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ये सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सेकंड है द ऑफिस ऑफ रमेश इज इन द अदर सिटी। रमेश का ऑफिस दूसरे शहर में है, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं हमें, इसमें लिखेंगे रमेश ऑफिस इज इन द अदर सिटी, ट्रांसलेशन वही रहेगी। द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी इज गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म स्थान गुजरात है, इसमें चेंजिंग हो जाएगी महात्मा गांधीज बर्थ प्लेस इज गुजरात। फोर्थ सेंटेंस टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज ऑन द हाई हिल्स। वैष्णो देवी का मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर है, इसमें चेंजिंग होगी वैष्णो देवीज टेम्पल, इसका हो गया वैष्णो देवी का मंदिर इज ऑन द हाई हिल्स, ऊंची पहाड़ियों पर है। फिफ्थ है द हार्ट ऑफ द मदर इज द स्कूल रूम ऑफ द चाइल्ड। माँ का दिल बच्चे का स्कूल रूम होता है, इसमें चेंजिंग हो जाएगी द मदर्स हार्ट, तो इसका भी यही हुआ माँ का दिल इज द स्कूल रूम ऑफ द चाइल्ड, बाकी मीनिंग वही रहेगा। द कलर ऑफ सनफ्लावर इज येल्लो। सनफ्लावर का रंग पीला होता है, द सनफ्लावर्स कलर इज येल्लो, सेम मीनिंग रहेगा। द ताजमहल ऑफ आगरा इज ए फेमस टूरिस्ट प्लेस। आगरा का ताजमहल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसमें चेंजिंग हो जाएगी आगराज ताजमहल, इसका भी मीनिंग यही होगा आगरा का ताजमहल। वेजिटेबल मार्केट ऑफ साकेत इज फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। साकेत की सब्जी मंडी इस स्थान से बहुत दूर है, इसमें चेंजिंग हो जाएगा साकेत वेजिटेबल मार्केट, इसका भी मीनिंग क्या निकलेगा साकेत की सब्जी मार्केट या सब्जी मंडी। ई एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स, अब एफ एक्सरसाइज करते हैं। कोरेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर नेसेसरी। जहां आवश्यक हो इन सेंटेंस को ठीक करना है। द थ्री डॉटर्स हैव गॉट मैरिड नाउ सो द ओल्ड लेडी हैज थ्री सन इन लॉज। ये सन इन लॉ के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ये इस सेंटेंस में मिस्टेक है, सन इन लॉज नहीं आएगा, सन्स इन लॉ आएगा स्टूडेंट्स इसमें, तो ये ठीक करके लिखना है। द थ्री डॉटर्स हैव गॉट मैरिड, तीन बेटियों की शादी हो गई है, सो इसलिए द ओल्ड लेडी हैज थ्री सन्स इन लॉ, इसलिए बूढ़ी औरत के तीन दामाद हैं। सेकंड सेंटेंस
मीजल्स आर ए डिफिकल्ट डिजीज टू हैंडल। अब इसमें आर नहीं आएगा, इज आएगा। मीजल्स इज ए डिफिकल्ट डिजीज टू हैंडल। खसरा संभालने के लिए एक मुश्किल बीमारी है। थर्ड सेंटेंस, दिस न्यूज आर सो मच इंटरेस्टिंग। इसमें आर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इज आएगा। दिस न्यूज इज सो मच इंटरेस्टिंग। यह समाचार बहुत अधिक दिलचस्प है। फोर्थ सेंटेंस, आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफीज। इसमें कॉफीज नहीं आएगा, कॉफ़ी आएगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। फिफ्थ सेंटेंस, माई फादर बॉट ऑल काइंड ऑफ ए फ्रूट। इसमें फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट्स आएगा। माई फादर बॉट ऑल काइंड ऑफ ए फ्रूट्स। मेरे पिताजी ने सभी प्रकार के फल खरीदे। सिक्स्थ सेंटेंस, फादर हैज नॉट वॉर्न हिज कोट, ही ओनली वॉर हिज ट्राउजर बिफोर गोइंग आउट। इसमें ट्राउजर नहीं आएगा, ट्राउजर्स आएगा। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। फादर हैज नॉट वॉर्न हिज कोट। पिताजी ने अपना कोट नहीं पहना। ही ओनली वॉर हिज ट्राउजर्स बिफोर गोइंग आउट। उन्होंने बाहर जाने से पहले केवल अपनी पैंट पहनी। सेवन्थ, आई वॉन्ट टू सी द फोटोज दैट वी क्लिक्ड एट द फंक्शन। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये एज इट इज रहेगा। मैं वो फोटोज देखना चाहता हूँ जो हमने फंक्शन पर क्लिक किए थे। एट्थ, दिस इज द सीजन्स फॉर एप्पल्स। इसमें सीजन्स नहीं आएगा, सीजन आएगा। दिस इज द सीजन फॉर एप्पल्स। यह सेबों का मौसम है। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी एफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और इसी के साथ ही चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया।